देखिए मकसद नहीं, जब हम बुढ़ाना विधानसभा में चुनाव हारे तो एक मन था सभी कार्यकर्ताओं से मिले, सबका हौसला है बहुत, हमें पिछली बार से 5000 वोट ज़्यादा मिली है, तो आपस में मिलना और हौसला अफजाई करना। और हमारे उम्मीदवार हारे जरूर हैं लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो वह जनता के बीच में रह के काम करेंगे, इसलिए आज कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे। क्या लगता है कोई मॉरल ना डाउन हो पाए जनता का, कार्यकर्ता एक बना रहे कार्यकर्ता, या कोई डर था कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह का सम्मेलन करने की आवश्यकता? मॉरल तो उनका डाउन होता है जिनकी सरकार हारते हैं, जो बना रहे थे खाली पुलाव पका रहे थे। भाई हमारी तो सरकार बनी है, भारी बहुमत के साथ सरकार बनी है, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल क्यों डाउन होगा? डाउन तो उनका होगा जिनकी सरकार नहीं बन पाई। अच्छा, सरकार में अगर विधायक साहब का आपने जिम्मेदारी दी है विधानसभा की पूरी, क्या पहले की तरह से विधायक साहब जो है पूर्व विधायक उमेश मलिक जी इस तरह से कार्य करते रहेंगे? देखिए जनता के बीच में रह के काम करेंगे, चुने हुए विधायक वो अपना काम करेंगे, और उमेश मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हमारी सरकार बनी है तो उमेश मलिक जी जनता के बीच में इसी तरह का काम करेंगे जिससे पहले काम करते रहे। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और चुनाव में इस बार हार हुई है, लेकिन 2017 से ज़्यादा हमें इस बार वोट मिली है, और मैं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया और ये भी बहुत सपष्ट शब्दों में कहा कि पहले लाल किले के ऊपर इस क्षेत्र का अपमान, इस पूरे प्रदेश का अपमान, हमारे समाज का अपमान करने का काम किया, और इस बार इस विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद ये बयान दे देना कि मैं मुस्लिमों के कारण से जीता हूँ, दोबारा हमारे समाज का, हमारे हिंदू समाज का फिर अपमान करने का काम किया, कहाँ तक अपमान सहेंगे? पूरे चुनाव के अंदर तनाव करने का काम किया, गाँवों में गाड़ियों के शीशे हम लोगों के ऊपर काला तेल डालने का काम किया, गाँवों के बीच में बिल्कुल सज्जन साधारण लोगों को उकसाकर बुगिया लगाकर गांव में ना घुसने का आह्वान किया। कब तक समाज सुनेगा? समाज के बीच में तनाव पैदा करेंगे, समाज को तोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा समाज नहीं तोड़ने देंगे, उनका काम समाज का अपमान करना है, हमारा काम समाज का सम्मान करना है, ये भी आज आह्वान किया।